उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता एवं मंत्री अभय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए तिरंगा मार्च निकाला। तिरंगा मार्च तहसील परिसर में निकाला गया तथा इसरो के वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाई दी गई तथा राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की गई। इस अवसर पर सभी सदस्य अधिवक्तागण तथा उपजिलाधिकारी देवरिया, तहसीलदार देवरिया, नायब तहसीलदार के बीच मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार। एक आजादी भारत को 1947 में मिली थी और दूसरी वैज्ञानिक और ताकतवर आजादी 24 अगस्त 2023 को भारत के वैज्ञानिकों के बल पर भारत को आजादी मिली है। ये ज्ञान की आजादी है, ये आर्थिक स्वतंत्रता की आजादी है, ये सॉवरन पावर ऑफ इंडिया की आजादी है। ये बताता है कि सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर जापान, सुपर पावर चाइना और सुपर पावर रशिया को बहुत करारी शिकस्त देते हुए भारत की वैज्ञानिकों को आज चंद्रमा पर जो सफलता मिली है वो स्वर्णिम सफलता मिली है। और निश्चित है आने वाले समय में दुनिया का भारत प्रतिनिधित्व करेगा और सुपर पावर बनकर निकलेगा और मानवता के लिए और विश्व कल्याण के लिए भारत की ताकत बुलंद होगी। जिस प्रकार से चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ, अमेरिका की कई अभियाने फेल हुई, उसी प्रकार से हम अपना अपनी जुझारूपन अपनी ताकत को छोड़े नहीं, अपने अभियान को जारी रखें। इसलिए इसरो के महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन उनकी टीम को हम अरविंद गुप्ता तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की तरफ से अपने SDM योगेश कुमार गौर साहब की तरफ से अपने तहसीलदार अरुण कुमार की तरफ से बहुत बहुत बधाई भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के ज्ञान मीमांसा को देता हूँ। और साथ ही ये कल्पना करता हूँ कि जिस प्रकार लो कास्ट लो व्यक्ति पर भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का अभियान शुरू किया है, वो अमेरिका और चाइना और रशिया भी हमारे लॉन्च पैड से हमारे वैज्ञानिकों की मदद से वो चंद्रयान से लेकर मार्स तक भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति और भारत के वैज्ञानिकों के जन्मदाता प्राण स्रोता APJ अब्दुल कलाम को सलाम करता हूँ और अपने देवरिया के लाल अभिषेक सिंह और देवरिया के लाल और वैज्ञानिक सब्बीर को भी बहुत बहुत बधाई और संदेश देना चाहता हूँ। और इस भारत के लिए एक आजादी भारत को 1947 में मिली थी और दूसरी वैज्ञानिक और ताकतवर आजादी 24 अगस्त 2023 को भारत के वैज्ञानिकों के बल पर भारत को आजादी मिली है। ये ज्ञान की आजादी है, ये आर्थिक स्वतंत्रता की आजादी है, ये सॉवरन पावर ऑफ इंडिया की आजादी है। ये बताता है कि सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर जापान, सुपर पावर चाइना और सुपर पावर रशिया को बहुत करारी शिकस्त देते हुए भारत की वैज्ञानिकों को आज चंद्रमा पर जो सफलता मिली है वो स्वर्णिम सफलता मिली है। और निश्चित है आने वाले समय में दुनिया का भारत प्रतिनिधित्व करेगा और सुपर पावर बनकर निकलेगा और मानवता के लिए और विश्व कल्याण के लिए भारत की ताकत बुलंद होगी। जिस प्रकार से चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ, अमेरिका की कई अभियाने फेल हुई, उसी प्रकार से हम अपना अपनी जुझारूपन अपनी ताकत को छोड़े नहीं, अपने अभियान को जारी रखें। इसलिए इसरो के महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन उनकी टीम को हम अरविंद गुप्ता तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की तरफ से अपने SDM योगेश कुमार गौर साहब की तरफ से अपने तहसीलदार अरुण कुमार की तरफ से बहुत बहुत बधाई भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के ज्ञान मीमांसा को देता हूँ। और साथ ही ये कल्पना करता हूँ कि जिस प्रकार लो कास्ट लो व्यक्ति पर भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का अभियान शुरू किया है, वो अमेरिका और चाइना और रशिया भी हमारे लॉन्च पैड से हमारे वैज्ञानिकों की मदद से वो चंद्रयान से लेकर मार्स तक भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति और भारत के वैज्ञानिकों के जन्मदाता प्राण स्रोता APJ अब्दुल कलाम को सलाम करता हूँ और अपने देवरिया के लाल अभिषेक सिंह और देवरिया के लाल और वैज्ञानिक सब्बीर को भी बहुत बहुत बधाई और संदेश देना चाहता हूँ। और इस भारत के लिए